कोविड महामारी के दौरान पूर्व सैनिक भी स्वयंसेवक के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान करने के लिए आगे आ सकते हैं, जिसके लिए निदेशक सैनिक कल्याण विभाग एवं उपायुक्त हमीरपुर ने प्रदेश के पूर्व सैनिकों से आग्रह किया है कि पूर्व सैनिक कोरोना महामारी में लोगों को अपनी सेवा प्रदान करना चाहते हैं, वे पूर्ण ब्यौरा पूर्व सैनिक कल्याण विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध करवाएं। उपायुक्त देवश्वेता बनिक ने बताया कि आपदा के समय में पूर्व सैनिक स्वेच्छा से अपनी सेवाएं तैयार कर सकते हैं। उनका डाटाबेस भी तैयार किया जाएगा ताकि आपदा के समय में इन पूर्व सैनिकों की सेवाएं ली जा सकें। सैनिक कल्याण विभाग की निदेशक एवं उपायुक्त हमीरपुर ने पूर्व सैनिकों से कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई में स्वयंसेवक के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान करने का आग्रह किया है। केंद्रीय सैनिक बोर्ड, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार की ओर से भूतपूर्व सैनिकों की सेवाएं स्वयंसेवक के रूप में लेने के निर्देश दिए गए हैं। देवश्वेता बनिक ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में कोरोना संक्रमण की स्थिति अभी तक अन्य राज्यों की तुलना में सामान्य है। पूर्व सैनिक कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई में स्वयंसेवक के रूप में सेवाएं देने के लिए अपना नाम विभिन्न कार्यों के लिए सैनिक कल्याण विभाग में दर्ज करवा सकते हैं। उन्होंने आग्रह किया कि कोई पूर्व सैनिक जिस कार्यक्षेत्र में निपुण हो, वे उसी कार्यक्षेत्र में सेवाएं देने के लिए अपना नाम दर्ज करवाएं। जितने हिमाचल में पूर्व सैनिक है, क्योंकि हिमाचल को हम वीर भूमि भी कहते हैं, तो ऐसे बहुत सारे एक्स सर्विसमैन पूर्व सैनिक हमारे स्टेट में हैं, जिन्होंने अपने सर्विस काल में जो है अलग अलग क्षेत्र में जो है अपनी सेवाएं दी हैं। क्योंकि आर्मी की मेडिकल विंग भी होती है, दूसरी सर्विसेज भी होती हैं जुड़ी हुई, जो हमारी शायद इस कोविड की इस तरह की के दौर में उनकी सेवाएं जो हैं काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकती हैं। तो हमने सभी से आह्वान किया है कि स्वेच्छा से वॉलंटरी बेसिस पे जो है सामने आके अपने सर्विसेज जो हैं वो हमें दें, और अपनी जो है इच्छुकता जो है, अपने एक हमने फॉर्मेट बनाया है उसके तहत जो है अपनी ऑनलाइन वेबसाइट पर वो अवेलेबल है, उससे हमें बताएं कि आप, हमने उस फॉर्मेट में आप डिटेल्स जो है एक सर्विसमैन के, उसके अलावा उनके एरिया ऑफ एक्सपर्टीज जब वो सर्विस में थे वो क्या थी वो भी पूछा है। इसके साथ साथ उनसे ये भी पूछा है कि वो किस जिले में अपनी सेवाएं प्रेफर करेंगे देना, और साथ साथ ये भी पूछा है कि कोविड पेशेंट्स के से जुड़ा हुआ कोई सर्विस, जैसे कि अगर वार्ड में ड्यूटी की ज़रूरत पड़े या एम्बुलेंस में ड्यूटी की ज़रूरत पड़े या इस तरह की कोई अगर चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, क्या वो उस सेवा को देने के लिए अलोंग विथ यू नो नेसेसरी प्रिकॉशंस इस तरह की सेवा को देने के लिए इच्छुक है कि नहीं, वो भी उस फॉर्मेट में मांगा गया है। तो हम एक डेटाबेस तैयार करने का हम उम्मीद करते हैं इस ऐसे एक सर्विसमैन की जो स्वेच्छा से वॉलंटरी बेसिस पे सामने आके अपनी सेवाएं हमें दे सकते हैं और कोविड की इस लड़ाई में हमारे सहभागी बन सकते हैं।